हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झील के बारे में कि झील को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट है दोस्तों, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। अक्सर दोस्तों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं झील के बारे में कि बताइए ये झील कहाँ है, ये झील कहाँ है, ठीक है, या फिर किसी जगह का नाम दे देगा और झील पूछेगा, झील दे देगा जगह का नाम पूछेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं वो ट्रिक किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मात्र दोस्तों 10 या 15 मिनट में जितना वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतने टाइम में आप इसको पूरा का पूरा याद कर सकते हो दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ये जैसे मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद आप पेन और बुक लीजिए, फटाफट आप सॉल्व कर डालिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप जवाब जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं इतना बता रहा हूँ, अगर इससे अलग भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और ज्यादा मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा झील पे लेके आऊंगा वीडियो, और जितने भी झीले छोटी छोटी झीले वहां तक मैं बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो, ठीक है दोस्तों। बट अभी तक मैंने जितना बनाया वो सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान, राजस्थान में क्या है दोस्तों, देखिये 1 2 3 4 5 6 7 सात है, तो इन सातों को कैसे याद किया जाए दोस्तों, एक ट्रिक है, देखिये ध्यान से सुनिए, एक स्टोरी है, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है, माइंड में रखना है, और बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों राजस्थान मैंने कैसे याद कराया आपको, एक राजा रहता है, ठीक है, ये मेरा टेक्निक है, मैंने राजस्थान में राजा ही बताया है। तो दोस्तों आप ऐसे इमेजिन करिए कि राजस्थान का जो राजा था, स्टोरी स्टार्ट हो गई, आपको बस इमेजिन करना है, आंख बंद करके सुनिए या आंख खोल के सुनिए, बस स्टोरी बनाते जाइए। राजस्थान का जो राजा था वो एक राजा के पीछे भागा जो कि बहुत ही मंद था, मंद मतलब मंद बुद्धि का था, ठीक है। वो राजा आप ऐसे इमेजिन करिए वो भाग रहे, वो राजा के पीछे भागा जो कि क्या था, बहुत मंद था। अब क्या कर रहा था उसका ये राजा, पीछा कर रहा था, क्या कर रहा था, पीछा, पीछा से पिछोला, ठीक है, पीछा कर रहा था किसका, राजस्मंद, राजस्मंद मतलब वो राजा जो बुद्धि से मंद था उसका पीछा किया। क्यों पीछा किया, क्योंकि ये जो राजा मंद था इसने राजा का सांबर लेके भागा, सांबर वो खा रहा था और वो सांबर लेके भाग गया, इसीलिए तो मैंने उसको मंद बुद्धि कहा, समझ रहे हो दोस्तों। तो पीछा किया, और क्यों पीछा किया दोस्तों, क्योंकि उसने उसका सांबर क्या किया, लूट कर भागा, क्या किया, लूट कर, तो लून कर, लून कर, ठीक है, नरस सर, ठीक है, लून करण सर, तो आपको लूट कर बस याद हो जाएगा, तो आप ये आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लेके भागा, सांबर, कैसे भागा, लूट कर भागा, तो लून कर नसर, ठीक है। अब जब दोस्तों इतनी स्टोरी हो जाती है, अब देखिए कैसे याद हुआ, राजा मंद क्योंकि राजा मंद था, पिछौला क्योंकि पीछा किया, क्यों पीछा किया, क्योंकि सांबर लिया था, सांबर, सांबर लेके भागा, क्या करके, लूट कर भागा, तो मतलब लून कर, ठीक है, तो लून कर अगर याद भी होगा तो आगे का याद हो जाएगा। आगे फिर जयसमंद, फिर ये जो मंद आदमी था इसने क्या किया, जय का नारा लगाया, जयसमंद, जय का नारा लगाया, कौन लगाया, मंद बुद्धि वाला, ठीक है, मंद बुद्धि वाला ने जय का नारा लगाया जोर से और बोला कि आज मैं फतेह हासिल करके रहूंगा, फतेह मतलब होता है जीत, ठीक है दोस्तों। उसने बोला कि मैं फतेह आज हासिल करके रहूंगा, ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं ऐसा सांभर लेके भागूंगा जरूर। उसने क्या किया, जयसमंद जय का नारा लगाया और बोला कि मैं फतेह पाकर रहूंगा, और दृढ़ निश्चय किया, बोला फतेह पाकर रहूंगा, और वह जो फतेह पाने का उसका संकल्प था वो बहुत ही दृढ़ निश्चय का था, ठीक है। तो दृढ़ से क्या रहेगा, दृढ़वाना, ठीक है, दृढ़वाना, तो दृढ़ निश्चय किया, दृढ़वाना, ठीक है। तो दोस्तों अब कैसे याद हुआ, देखिए राजस्मंद पिछौलिया पीछा किया, ठीक है, उसके बाद क्यों पीछा किया, सांबर क्या करके, लूट कर भागा था, लूट कर भागा था, उसने फिर क्या किया, जय का नारा लगाया, जय का नारा लगा और बोला फतेह हासिल करूंगा मतलब फतेह सागर, और फिर फतेह हासिल करने के बाद फिर क्या होगा, डिड़वाना मतलब उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, ठीक है। तो राजस्थान का ये सातों आपको मेरे ख्याल से याद हो चुका रहेगा, ठीक है, आप एक बार पेपर और पेंसिल लेके लिख डालिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड का मतलब उत्तर के साइड का खंड, मतलब उत्तर के साइड पे खंड खाने के लिए कुछ लोग गए, ऐसे इमेजिन करिए कि उत्तर डायरेक्शन में कोई खंड खाने के लिए जा रहे थे, कितने लोग जा रहे थे, सात लोग जा रहे थे, कितने लोग जा रहे थे, सात। एक तो दोस्तों उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ट्रिक है दोस्तों, लास्ट में उसके ताल होता है, देखिए यहाँ पे सब जगह ताल है, तो ताल से भी आपको याद हो जाएगा कि ताल लास्ट में आया तो मतलब उत्तराखंड का ही झील होगा, ठीक है। बट दोस्तों अगर एग्जाम में नदी पूछ लेता है या उत्तराखंड में बोला कौन सी रिवर ऐसी बहती है, बताइए कि उत्तराखंड में कौन सी सात ऐसी रिवर है, तो आपको नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए दोस्तों अब मैं याद करा देता हूँ, स्टोरी बता रही, स्टोरी सुनना है। तो उत्तरा में खंड खाने के लिए कितने लोग गए, सात लोग गए, सात लोग कहाँ खाने गए, नैनीताल,
नैनीताल सात लोग गए। इमेजिन करिए दोस्तों कि सात लोग नैनीताल घूमने के लिए गए, खंड खाने के लिए गए, और उसी नैनीताल में उनको एक राक्षस मिल जाता है। ठीक है, कौन मिल जाता है? राक्षस, जिसको बोलते हैं राक्षस, राक्षस ताल, राक्षस से राक्षस। ठीक है, तो राक्षस मिल जाता है। अब वो लोग को घेर लेता है राक्षस। फिर वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक माला पड़ा रहता है, माला माला पकड़ते हैं, उठाते हैं माला को, और वहीं पे एक देव की मूर्ति रहती है, उस देव के गले में डाल देते हैं माला को। क्या करते हैं, देव देव भगवान बैठे रहते हैं, वहीं पे उनकी मूर्ति रहती है, उनके गले में डाल देते हैं। और नैनीताल का एक खासियत है कि अगर कोई माला देव भगवान के गले में डाल दे तो वो जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। जस्ट इमेजिन करना, फनी इमेज है, कोई ऐसे रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, माला उठाया और देव भगवान के गले में डाल दिया, और देव भगवान प्रकृत हो गए। और उसके बाद जैसे उन लोगों ने माला डाला देव भगवान के गले में, उसके बाद और कुछ नहीं किया, याद रखिए दोस्तों, और कुछ नहीं किया, यानी कि नौ कुछिया ताल, नौ कुछिया ताल, उसके बाद नौ मतलब नौ कुछिया ताल, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मतलब कुछिया ताल, नौ कुछिया ताल। ठीक है, तो देव भगवान आएगा तो उन्होंने नौ कुछिया ताल, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और खुद पाताल में चला गए। ठीक है, उसके बाद राक्षस क्या किया, राक्षस जब देव भगवान जागृत हो गए तो राक्षस खुद पाताल में चला गया, उन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी वो क्या किया, पाताल में चला गया। कैसे गया, खुद, ठीक है, खुद, खुद से खुद, खुरपाताल, खुरपाताल मतलब खुद पाताल, खुद पाताल में गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कैसे याद हुआ, सात लोग कहाँ गए दोस्तों, नैनीताल घूमने के लिए, नैनीताल से नैनीताल सात लोग गए थे, तो सात सात ताल। ठीक है, वहां पे उनको एक राक्षस मिला राक्षस ताल। ठीक है, वहां पे एक माला पड़ा था माला ताल, फिर उन्होंने देवताल देव भगवान गले में डाल दिया और कुछ नहीं किया, नौ कुछिया ताल। ठीक है, फिर वो अपने आप कहाँ चला गया, पाताल में, खुरपाताल, खुद पाताल में चला गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है। आगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अंधा आदमी, देखिए कैसे याद करना है, अंधा आदमी हुस्न सागर का देखने गया, किसका हुस्न देखने गया, सागर का, तो हुसैन सागर। ठीक है, हुस्न देखने गया, किसका हुस्न देखने गया, सागर का, कौन गया, अंधा आदमी, तो हुस्न गया सागर का देखने, किसके साथ, कलुआ के साथ या काले आदमी के साथ। ठीक है, किसके साथ गया, कोलेरू के साथ, काले आदमी के साथ, कोलेरू काला, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो काला रूह, काले रूह मतलब काले आत्मा के साथ में, आत्मा के साथ में गया, काला रूह, रूह मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो काले रूह के साथ में गया, कौन गया, अंधा आदमी, क्योंकि उसको समझ में आता नहीं कौन कौन सही है कौन गलत है, वो रूह के साथ में गया, काले रूह। ठीक है, तो कोले रूह क्या देखने गया था, हुस्न देखने गया था सागर का। आगे तमिलनाडु, अब तमिलनाडु से मैंने बताया था मिलन, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप अपने जीएफ के साथ जिस पुल पे मिलते थे उसको काट दिया गया, क्या कर दिया गया, काट दिया गया, वो पुल को क्या किया गया, काट दिया, काट दिया गया, जिस पुल पे मिलते थे, मिलन, मिलन का मतलब जहाँ पे आप लोग मिलते थे। ठीक है, आगे उड़ीसा, उड़ीसा चिल्का, चिल्का एक ऐसे याद करेंगे, उड़ीसा से मैंने आपको डिश याद कराया है, तो उड़ीसा डिश, डिश आपने जो डिश बनाया था इतना खराब था कि आपके घर में तो कोई नहीं खाया, बट आपने उसको पथरे पे रख दिया तो कौन खा गया, चिल खा गया, चिल खा गया, चिलका, ठीक है, चिल खा गया, क्या खा गया, डिश, तो उड़ीसा से डिश, डिश कौन खा गया, चिलका, क्योंकि घर में कोई खा नहीं था तो चिल को डाल दिया, चिल खा गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लोणार, तो महाराष्ट्र से मैंने आपको बताया महाराजा, महाराजा ये राजस्थान से राजा होता है, महाराजा महाराजा महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। महाराजा, महाराजा हमेशा लोन लेके नहर बनवाता है, क्या करता है, लोनार, हमेशा लोन लेता है और गांव की रक्षा करता है, अपने विलेजेस की, अपने जो सिटी है वहां की रक्षा करता है, नहर बनवाता है, कैसे नहर बनवाता है, हमेशा लोन लेके नहर बनवाता है। ठीक है, लोनार, महाराष्ट्र लोनार। आगे है केरल, केरल का वेम्बनाड, तो केरल का रैला बताया था। ठीक है, तो केरल जो है वहां पे हमेशा वेम्बनाड, ठीक है, बम बनाने का नदी है, बम बनाने का क्या है, नदी है, कहाँ पे, केरल में, जहाँ पे करेला की खेती होती है, केरल करेला, ठीक है, जहाँ पे करेले की खेती होती है वहां पे क्या होता है, बम बनाने की नदी फ्लो करती है, किसकी, बम बनाने की नदी। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग मुझे इससे और कॉमेडी फनी बनाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं है, तो आप लोग ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बम बनाने की नदी है बेम्बाना। मणिपुर, मणिपुर से लोकटक, तो मणि का मतलब होता है मणि, डायमंड, तो दोस्तों जब कोई डायमंड हाथ में लेके ऐसे आपको दिखाए और पब्लिक को ऐसे दिखाए तो पब्लिक क्या करती है, एक टक देखना स्टार्ट करती है, ऐसे देखना स्टार्ट करती है, आंखें बड़ी बड़ी करके, लोग टक, तो लोग क्या करते हैं, टकाटक, एक टक पे नजर अपनी बैठाते हैं और उसको मणि को देखते रहते हैं, वाह कितना सुंदर मणि है। ठीक है, तो मणिपुर से लोकटक, ठीक है,
आगे दिया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए जम्मू कश्मीर पूरा बर्फ का इलाका है, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होता है जम्मू कश्मीर में, वहां पे दाल की खेती होती है। किसकी खेती होती है? दाल की। दाल, डल, डाल मतलब दल, ठीक है। तो डल झील, और जम्मू कश्मीर बहुत बर्फ वाला है इसीलिए दाल की खेती होती है, और वहां पे लोग कूलर यूज करते हैं क्योंकि वहां पे बर्फ है इसीलिए, और ज्यादा ठंडा करने के लिए वहां पे क्या यूज करते हैं? कूलर। एक गलत बात है दोस्तों, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, जहां पे ठंड है वहीं पे कूलर भी यूज करेगा, लेकिन हमको फनी इमेज बनाना है, याद करना है, ठीक है। तो डल, दाल की खेती होती क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या है? कूलर है, कूलर की झील है, कूलर, कूलर है, कूलर से कूलर। और क्या है? बैर, बैर का पेड़ है वहां पे। क्या है? बैर। तो बैर का पेड़ है बैरी नाग। बैर के पेड़ पे शेषनाग तथा अनंतनाग वहां बैठते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में दाल की खेती होती है। समझ गए दोस्तों, एक प्रश्न उत्तर बन गया, आपको याद करना है। देखिए जम्मू कश्मीर में दाल की खेती होती है क्योंकि दोस्तों वहां पे कूलर है, कूलर है तथा बैर का पेड़ है, और बैर के पेड़ पे शेषनाग और अनंतनाग जैसे नाग बैठे हुए हैं देवता, इसलिए वहां पे दाल की खेती होती है। अब कैसे इसको याद करेंगे? डल झील, क्योंकि दाल की खेती होती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, बहुत ठंड होती है और लोग वहाँ पे कूलर यूज करते हैं, मतलब कूलर हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे बैर का पेड़ है मतलब बैरीनाग, बैरीनाग बैर का पेड़ है, और फिर वहाँ पे शेषनाग और अनंतनाग जैसे बाबा रहते हैं या नाग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे दाल की खेती होती है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत मतलब एक सेकंड भी लगता नहीं याद करने को, मैं सच्ची बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मात्र 2 या 4 मिनट लगता है इसको याद करने में, ठीक है। 2-4 मिनट में ये पूरा हो जाता है। आप मुझे किसका भी पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत आंसर दे सकता हूँ। राजस्थान हो गया, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा का चिल्का, क्योंकि उड़ीसा डिस कौन खा गया? चिल्का, चील खा गया, ठीक है। सिंपल सा है, आपको बस याद करने के लिए थोड़ा सा माइंड को सेटअप करना पड़ेगा और ये चीजें फटाफट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गए टोटल चीज जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर इसके अलावा और भी होते हैं तो मैं कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूले, बेल आइकन दबाना तो आप भूलते ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई कमेंट, कोई दूसरे, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, नीचे कमेंट करेंगे ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।